आप हिंदू हैं, भैया मुसलमान, देश में हम लोग हिंदू और मुसलमान को लेकर के ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। सही कहे, देश भर में हिंदू और मुसलमान को लेकर के हिंदू और मुसलमानों के बीच बड़ी खाई जो है तो पैदा की जाती है। आप लोग आज यहाँ पर बैठे हुए हैं, टागी भी रखी हुई है, तो क्या लड़ाई झगड़ा भी करने का करते हैं, कभी होता है? मुसलमानों के कभी नहीं, सब एक में बैठ के पलथी में खा। लगभग 33% इनकी आबादी है हमारे गांव में, 33%, लेकिन आज तक ऐसी बात नहीं आई कभी हिंदू मुसलमान का विवाद हुआ हो। स्वाभाविक है, बच्चों की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, बच्चे लड़ते झगड़ते रहते जी, लेकिन अगर इनके यहाँ शादी हो रही है तो हमारा निमंत्रण होगा इनके यहाँ, हमारे यहाँ शादी हो रही है तो इनका निमंत्रण हमारे यहाँ होगा, यानी कि हमारे गांव में हिंदू मुसलमान के बीच में अच्छा व्यवहार है, सामंजस्य है और कोई बात नहीं। अब जैसे देश में अफवाहें फैलाई जाती है हिंदू मुसलमान के बीच में, तो उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो सांप्रदायिकता फैलाने का काम करते हैं? वो गलत करते हैं, गलत करते हैं, प्लस वो लोग जो ये फैलाते हैं अपने अपने लाभ के लिए फैलाते हैं, लड़ा के अपना अपना लाभ लेते हैं, पब्लिक मरती है उसमें फायदा जनता जुड़ी होती है, ये सब लाभ के लिए फैलाते हैं अखबार और लड़ा देते हैं और अपना वोट सही करते हैं और वो करते हैं और कुछ नहीं है, सीधा अपना उल्लू सीधा करने के लिए ये सब बुलाते हैं। जमीन में सब भाई भाई हैं, एक साथ सब रहते हैं, ना कि किसी भी प्रकार का कोई विवाद है, ना कोई किसी प्रकार का दंगा है, ना कुछ लड़ाई हमारे यहाँ तो कोई लड़ाई दंगा नहीं, हिंदू मुसलमान कभी कभी नहीं हुआ अब तक, जरा से कोई न मुसलमान नाम लिया न तो हिंदू लिया, कहीं भी कितना लड़ाई हुई, कितनी मारपीट हुआ, अच्छा सामंजस्य है मुसलमान के बीच में, अच्छा व्यवहार है, हमारे यहाँ इनका निमंत्रण होता है, इनके यहाँ हमारा होता है, आना जाना होता है, ईद भी साथ मनाते हैं और नवरात्रि भी साथ मनाते हैं, अपना का त्योहार हम मानना, तीकर वाली त्योहार हमारे फगुआ और रंगा नाथ है, उनमें कोई परवाह नहीं है, इनके मुहर्रम में हम इनके साथ साथ घूमते हैं, पूरे हम लोग से ज्यादा रहते हैं हमारे आबादी ज्यादा इन लोग, हमारे यहाँ इनके मुहर्रम का मुकाम है, हमारे यहाँ रखी जाएगी हमारे द्वार पर, हम बकायदे उसका स्वागत करेंगे, सिन्नी प्रसाद चढ़ाएंगे, अगरबत्ती जलाएंगे, बराबर होगा हमारे गाँव में, चंदा देंगे हम लोग मुहर्रम में, ये मुहर्रम बनाएंगे ये तो चंदा देंगे, तो चंदा हम लोग नवरात्रि में आप लोग भी चंदा देते हैं, बराबर बराबर। ये एक असली हिंदुस्तान की जमीन है, ये एक असली हिंदुस्तान की पहचान है, जैसे अजायब जी कह रहे हैं कि जो हिंदुस्तान की जमीन है, जो हिंदुस्तान का जमीर है, वहाँ हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब एक साथ रहकर एक ही थाली में खाते हैं, अनेकता में एकता, अनेकता में एकता ही भारत की विशिष्ट पहचान है, जिस पहचान को खंडित करने का प्रयास पिछले कुछ वर्षों में कुछ दिनों से कुछ लोगों के द्वारा किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से हम चार लोग बैठे हुए हैं, इस हकीकत को तो आप बकायदे समझ ही सकते हैं कि जो जमीन है वो हिंदुओं और मुसलमानों सिख ईसाई सभी धर्मों के लोगों से मिलकर के बनी है, यहाँ पर कोई भी बस नहीं है और यही यहाँ की पहचान है, कोई किसी के त्योहार और कोई उससे किसी पर समय पड़ा है कि इनकी ईद हमारी होली जी एक साथ पड़ी, एक साथ पड़ी है जी, हाँ लेकिन जरा सा तक नहीं हुआ कभी, इनकी होली हमारी होली इनकी ईद एक साथ हुई है, फिर भी किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, सारी चीजें एक तरीके से अच्छे तरीके मनाते रहो, अपना तुम मनाओ मैं अपना मना रहा हूँ, बस हो गया, और साथ में फगुआ का बाकी ही जी, हमारे यहाँ फगुआ गाते हैं ये जी, पहले बहुत हमारे यहाँ श्याम लोग इतना फगुआ गाते थे कि इतना हिंदू से नहीं बनता था, बाबा लोग इतना मोर बप्पा बाबा के ना कही फगुआ कहाँ है, बगैर उनके फागी नहीं होता जी, फगुआ गावत गावत इधर बाबा जी नाचे लागत रहे हैं, नाचत रहे हैं, बहुत एक अद्भुत संस्कृति मिली जुली संस्कृति यहाँ पे देखने को मिलती है ना। जो एक और थोड़ा सवाल हम आपसे चाहेंगे, जो कुराने शरीफ की बात होती है, शायद आप लोगों ने पढ़ा होगा उसके बारे में, उसकी जो इल्म है उनको जानते होंगे आप, जो जिहाद शब्द है, तो जिहाद शब्द का मूलभूत अर्थ क्या होता है, थोड़ा सा इस बारे में क्या आप बता पाएंगे? इसको तो अपने बना लेंगे
जी पिताजी का बता सक जी मैं पढ़ा हूँ लेकिन उसका मायने नहीं पढ़ा हूँ जी। इसके लिए उसके मायने जिहाद का मतलब क्या होगा साहब आप ही बताइए। जैसे जो आतंकवाद होता है तो हम देखते हैं न्यूज चैनल्स के माध्यम से टीवी के माध्यम से जो आतंकवादी हमले होते हैं कई बार तालिबान है लश्करे तैयबा जैसे संगठन है तो जिहाद के नाम पर वो बहुत सारे मासूमों की जान लेने के लिए लड़ाके तैयार करते हैं। वो स्लीपर सेल्स होते हैं वो किसी धर्म के नहीं होते ये हम भी कह सकते हैं क्योंकि किसी भी धर्म में किसी भी मासूम को मारना नहीं सिखाया जाता जहाँ तक हमारी जानकारी है जहाँ तक आप लोगों की जानकारी है। हर जीव की रक्षा करना हर जीव के प्रति एक सहयोग एक सामंजस्य स्थापित करना धर्म का जो मूल होता है नहीं सिखाता है जी इसी का धर्म जी वो लड़ना झगड़ना नहीं सिखाता वो मैत्री भाव रखना सिखाता है लेकिन हम उसका दुरुपयोग करते हैं अगर ऐसा काम करते हैं जी। तो ये चीज होती है यहाँ पर हम बैठे आप लोगों के साथ चर्चा की तो कुछ चीजें यहाँ पर बहुत अद्भुत पता चली जो जमीन की हकीकत है पहली चीज। दूसरी चीज अब आप लोग सब साथ में बैठे हुए हैं जो जमीन की हकीकत है जो हिंदू मुसलमान दंगे फसाद की बात है जो आतंक की बात है तो निराधार साबित हो जाती है ऐसी जगहों पर जहाँ पर सब लोग साथ रहते हैं और ये जमीन की हकीकत है। हम लोग के यहाँ हमेशा जी साथ में रहते हैं कोई कभी भी दंगा नहीं होता जी न होता है न कोई नाम ही लेता कितना भी कहीं मर रहे हैं मरने दो क्या करने का हम लोग यहाँ पर मिलजुल करके मिलजुल से हमेशा न वो ऑब्जेक्शन उठाते न हम लोग उठाते जी कभी भी हाँ हो रहा दंगा होने जी। तो अब फाइनल तो आपने देखा कि हमने यहाँ कुछ बुजुर्ग जनों से बातचीत की इनकी समस्याओं के बारे में चर्चा की और इसके साथ साथ जानने की कोशिश की कि ये जो मौसम है जो कोविड है और जो सरकार की योजनाएं हो गांवों तक किस तरीके से हैं। तो हकीकत आपने अभी खुद देखा कि नहर का पानी तो जा रहा है गांव से लेकिन वो गांव के लोगों को ही नहीं मिलता। हिंदू मुसलमान साथ रहते हैं लेकिन देश में कई ऐसे अफवाहों के द्वारा आपस में लड़ जाते हैं जो असल में होती ही नहीं है। जो ज़मीन की हकीकत है वो यही होती है कि ईद और होली एक साथ मनाई जाती है। होली में फगुआ जो होता है तो मुस्लिम भाइयों के द्वारा गाया जाता है और ईद जो होती है वो हिंदू भाइयों के द्वारा भी मनाई जाती है। किसी और गांव की समस्या किसी अन्य व्यक्ति की समस्या को लेकर के हम आपसे रूबरू होते रहेंगे। तब तक बने रहिए द खबरदार न्यूज़ के साथ। नमस्कार धन्यवाद।